आज पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं पे गांव पे अत्याचार हुआ, पूरे गांव को खाली कराना पड़ा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में जो पश्चिम बंगाल के जो चुनाव हुए, जिसमें ममता बनर्जी की सरकार पुनः रिपीट हुई और ममता बनर्जी स्वयं हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार के सामने पराजित हुई विधानसभा चुनाव में, लेकिन उनको प्रचंड बहुमत मिला। और बहुमत मिलने के बाद में भी आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद में हिंदुओं पर, विशेष तौर से हिंदुओं को टारगेट किया गया। पश्चिम बंगाल के पास में ही बांग्लादेश लगता है, बांग्लादेश से अवैध तरीके से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी जो पश्चिम बंगाल में आके बस गए और उन्होंने, ममता बनर्जी ने उनको वोट देने का अधिकार दे दिया। वोट बैंक की राजनीति के कारण विधानसभा चुनाव के बाद में बड़े पैमाने पर हिंदुओं के साथ में नरसंहार हुआ और कई हिंदू परिवारों को, हजारों की संख्या में हिंदू परिवारों को असम में, क्योंकि असम पास ही का प्रदेश है, असम में जाके शरण लेनी पड़ी। जब से ये ममता बनर्जी की सरकार वापिस बनी है, तब से आए दिन लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स, तुष्टिकरण की नीति, अपने मुस्लिम वोट को पक्का करने के लिए, मुस्लिम वोट की खातिर हिंदुओं पे आए दिन अत्याचार किए जा रहे हैं। स्थिति पश्चिम बंगाल की ये है कि इस बार आपने देखा होगा हर दो चार महीने के अंदर एक अनेक दंगा होता है। दंगे के अंदर वहाँ की स्थानीय सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, वो जो दंगाइयों के साथ में खड़ी रहती है, संवैधानिक संकट पैदा हो जाता है, गवर्नर को इंटरफेरेंस करना पड़ता है, केंद्र सरकार को इंटरफेरेंस करना पड़ता है। ये कैसा लोकतंत्र है? लोकतंत्र का मतलब फेडरल स्ट्रक्चर के नाम पे वो कहती है राज्य के अंदर दूसरी शक्तियां काम नहीं कर सकती। तो भैया, राज्य के अंदर राज्य की जनता की माल जान सुरक्षा करने का अधिकार भी तो आपका है। लोकतंत्र के अंदर ये तो नहीं है, ये जो सरकार चुनी जाती है वो सामने हमारे विपक्षियों को मार काट करे, उनके साथ में अत्याचार करे, उनके साथ ज्यादती करे, उनका कत्लेआम करे, इस तरीके की लोकतंत्र की हत्या करने वाली ममता बनर्जी की सरकार को हम आज ज्ञापन के जरिए महामहिम राष्ट्रपति से मांग करते हैं, धारा 356 लगा के पश्चिम बंगाल की सरकार बर्खास्त करे और तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करे। ममता बनर्जी मुर्दाबाद, 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 ममता बनर्जी मुर्दाबाद, 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 ममता बनर्जी मुर्दाबाद, 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 टीएमसी आए हाय, 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 ममता बनर्जी मुर्दाबाद, 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 ममता बनर्जी मुर्दाबाद, 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 टीएमसी सरकार, टीएमसी सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो।